हेलो स्टूडेंट्स तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंथ बोर ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ बोर ऑर्बिट के बारे में पढ़ा अब आज हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ बोर ऑर्बिट ओके क्योंकि हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं ओके okay? तो रिवॉल्व कर रहा है तो इट हैज सम एनर्जी आज हम लोगों को उसी एनर्जी का डेरिवेशन निकालना है ओके okay. सो so, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चीज है न्यूक्लियस और यह है उसके आजू बाजू रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है सबसे पहले हमको ध्यान में होना चाहिए कि कितने एनर्जीज है इसके पास में तो इसकी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जिसको मैं ई एन कहूंगा वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास में होती है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी को मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ एम वी एन स्क्वायर आएगा यहां पे, बिकॉज इट इज एंथ बोर ऑर्बिट ना हमको नहीं पता है वो फर्स्ट है सेकेंड है या थर्ड है इट इज एंथ बोर ऑर्बिट तो उसका वेलोसिटी रहेगा एंथ बोर ऑर्बिट में वी एन हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है एक बार ध्यान में रखना ओके okay. क्यों निगेटिव है क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, होती है. है ना? तो पोटेंशियल एनर्जीटिव एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी बाय पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज तो पोटेंशियल कितना है यहां पे वन अपॉन फोर पाई एप्सलन नॉट जेड ई बाय आर एन इन टू तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सलन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन ठीक है अब हम लोगों ने पिछले पिछले लेक्चर में वी एन और आर एन के इक्वेशन देखे आर एन का इक्वेशन क्या था एन स्क्वेर एच स्क्र एप्सलन नॉट पाई एम ई स्क्वेर जेड ये था आर एन का इक्वेशन वेलोसिटी इन एन थोर ऑर्बिट कितना था ई स्क्वेर जेड अपॉइंट टू एप्सलन नॉट एन एच ये डेरिवेशन आपके बुक में होंगे अब ये वैल्यूज हम लोग यहां सब्सटीट्यूट करेंगे एक एक करके ओके okay. तो चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं काइनेटिक एनर्जी की इसमेंट्यूट कर देते पहले वैल्यूज एक्चुअली हम लोगों ने अलग अलग लिखना नहीं चाहिए था ऐसा पहले काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू सब्सटीटूट करना चाहिए था तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर कितना आएगा ई टू द पावर फोर जेड स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर स्क्वाच स्क्वायर तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एम ई टू पावर फोर जेड स्क्वायर अपॉन एट एप्सलॉन नॉट स्क्च स्क्वायर एन स्क्वायर अब इसका एक रीदम है याद कर लो एम ई टू पावर फोर एम ई टू पावर फोर जेड स्क्वायर अपॉन एट एप्सलॉन स्क्वाच स्क्र तीनों का स्क्वायर है एप्सलॉन स्क्वायर एच स्क्र एन स्क्वायर ठीक है अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा यहां पे माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सलन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का वैल्यू तो इट इज एन स्क्र एच स्क्न नॉट इन टू ये ऊपर चला जाएगा पाई स्क्वायर जेड ओके क्लियर क्लियर सभी को ध्यान में आया हा तो देखो ये पाई और पाई कट हो गया यहां पे अब क्या कट हो रहा है यहां पे देखो और कुछ कट हो रहा है क्या यहां पे नहीं है ना कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो देयर फोर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम ई टू दॉर फोर जेड स्क्वायर अपॉन फोर एप्सल नॉट स्क्वायर एच है तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अब देखो कि यहां पे है ना तुमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है रिदम याद रखा था हम लोगों ने नंबर चेंज हुआ यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी में एट था यहां पे माइनस यहां पे फोर है और माइनस भी है तो टोटल एनर्जी कितना हुआ बेटा फिर बताओ यहां से टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब दोनों में बाकी सब टर्म कॉमन निकल गई देखो एडिशन करोगे तो कॉमन क्या निकलेगा एम ई टू तो द पावर फोर जेड स्क्वायर एच स्क्वाकेट में वन बाई एट माइनस वन बाई फोर अब इसको अगर सॉल्व किया टोटल एनर्जी ई एन That is equal to सर, आपने रट क्या है क्या फॉर्मूले से रट जाओगे सिर्फ एक बार इसको क्या है दो तीन बार इस डेरिवेशन को लिख के निकाल लो या फिर क्या करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तीन चार बार एक के नीचे लिख के लो पांच बार लिख लो पांच बार, बार इसको पांच बार इसको पांच बार, बार इसको याद हो जाएगा फॉर्मूला ओके तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है अब ये यहां तक ही डिराइव करना है अब यहां पे हमको सीई के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं ये याद रखने हैं वो कौन से हैं तो टोटल एनर्जी इज इनवर्सली सॉरी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ये पहली चीज तुमको याद रखना है ठीक है टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर दिस इज फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर सेकेंड थिंगे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन आइटम के लिए हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए ये इक्वेशन में उसके लिए तो अपन उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे सॉरी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे एंड दैट इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सॉरी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू याद रखो सो व्हाट इज दिस वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट पहले बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी टोटल एनर्जी का वैल्यू है ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है याद रहेगा अब इसके आगे तीसरा फॉर्मूला सीईटी के लिए सब सीईटी पॉइंट है सीईटी के पॉइंट याद रखना है तीसरा चीज ये याद रखना है कि एंथ बोर ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है दैट इज फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर दिस इज शॉर्टकट ये याद रखना है ओके okay, शॉर्टकट है एंथ बोर ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर कैसे याद रखेंगे देखो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेंगे सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी कितना रहेगा फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी अपॉन टू स्क्वायर फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन फोर या जाएगा माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी अब मैंने बोला अगर चौथे बोर ऑर्बिट का निकालना है तो ई फोर इज इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी अपॉन फोर स्क्वायर दैट इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस जीरो पॉइंट एट 5 के आसपास आ जाएगा दिस इज फोर्थ बोर ऑर्बिट का एनर्जी ठीक है समझ में आया सबको तो ये बात ध्यान में रखना है एंड फाइनली लास्ट पॉइंट जो है हमारा CET में कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ बोर ऑर्बिट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है बोर्ड्स के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीईटी नीट के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ओके सो दीज वेयर दी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन बिटवीन फॉर हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम में हम लोगों ने जो एनर्जी लेवल देखे थे दे, उसका हम लोगों को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना है और यह जो कॉन्सेप्ट है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायग्राम जो है इसका पोर्ट्स में पूछा जा सकता है ओके okay? एक दो मिनट तो ये डायग्राम हम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम के इस पर भी आ सकता है मतलब क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके तो एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक फर्स्ट यहां पे देखो एक लाइन बनाया यहां पे लिखा एन इज इक्वल टू वन और यहां पे उसकी एनर्जी लिखी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स है, है ना हम लोगों ने देखा है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी देखो माइनस थ्री पॉइंट फोर आएगी मैंने बताया तुमको फॉर्मूला बताया कैलकुलेट करने का थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिक्स वाले की माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाइनली इन्फिनिटी सिक्स ऑर्बिट के बाद में डायरेक्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी आएगा एंड एनी नंबर रखना में ड्रॉ करते पहला है क्योंकि देखो, क्या है? का है करीग -करीग. लेकिन यहां से यहां पर ही डिफरेंस है ना सॉरी वन पॉइंट नाइन का डिफरेंस है फिर डिफरेंस कम हो गया 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 ऊपर ऊपर डिफरेंस कम होते जाता है तो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त यह बात ध्यान में रखना ओके क्लियर विद दिस क्लियर अब देखो ट्रांजिशन देखो इलेक्ट्रॉन्स का कैसा होगा पहला ट्रांजिशन देखो इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जब आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ट्रांजिशन दूसरा देखो कहां से कहा है सेकेंड थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे दिस इज फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे या फिर इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पे यानी ये जितने भी ट्रांजिशन है ये सारे ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हैं ध्यान में रखना हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे तो ये ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज क्या कहते हैं हम लोग इसको लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज की जो वेबलेंस आएगी अब यहां से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तुम है ना थर्ड थर्ड यूज करके तो ये वेवलेंथ आएगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसके आसपास आएंगे तो लाइमन सीरीज में हमेशा ट्रांजिशन हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा सिमिलरली ये ट्रांजिशंस जो है हाइयर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे हुए तो हम लोग इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज बाल्मर सीरीज की वेवलेंस जो आएंगी, अब इसमें ट्रांजिशन तुमको समझ में आया हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इसकी जो वेवलेंस आएगी वो आएगी विजिबल रीजन में विजिबल रीजन ओके क्लियर विद दिस अब अगले ट्रांजिशन देखो कैसे है अगले ट्रांजिशन जो आ रहे हैं वो आ रहे हाइयर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज पाश्चन सीरीज आती है इंफ्रारेड रेडिएशन में इंफ्रा उनकी वेवलेंथ होती है इंफ्रा इंफ्रारेड इंफ्रा रेडिएशन में फिर आती है हाइयर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे पाश्चन के बाद में आता है ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रेडिएशन में आती है यह नियर इंफ्रारेड या इंफ्रारेड अब अगला जो सीरीज है Higher orbit से फिफ्थ ऑर्बिट पे इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट है P fund नहीं बोलना बोलना कभी, क्या बोलना है उसे? Fund series. Fund series भी इंफ्रारेड रेडिएशन में ही होती है इसकी wavelength. तो ये हो गई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम एक हाइड्रोजन एटम में ओके okay? तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसे याद रखना है ओके सो टुडे अगले लेक्चर में हम लोग बोर्ड का पोस्टुलेट जो है सेकेंड पोस्टुलेट उसको रिलेट करेंगे हम लोग डी ब्रोगलीज़ हाइपोथेसिस से ओके दैट्स इट